नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सबसे पहले बात करेंगे मसालों की, जहां में भावों में तो उठापटक है ही, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एफएससीआई ने यहां पर 111 जो मसाले कंपनियां हैं उनके लाइसेंसेज यहां पर रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हिसाब से जो खबर एज ऑफ नाउ अवेलेबल है वो ये कि 4000 सैंपल्स की अभी भी यहाँ पर जाँच हो रही है, 2200 सैंपल्स की जाँच यहाँ पर की जा चुकी है और उसके मद्देनज़र यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। एफएससीआई के ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि आगे जाकर और भी लाइसेंसेस यहां पर रद्द किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई देशों के जो मानक है उससे कहीं ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड यहां पर मिलता हुआ नजर आया है इन मसालों में। काफी समय से, पिछले 2-3 महीनों की अगर बात करें तो मसाले यहां पर चर्चा में रहे हैं। हमने काफी सारे स्ट्रिंजेंट एक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट में भी चिंताएं यहां पर उभरते हुए देखी हैं और अब जिस तरह से यहां पर रेड्स पड़ती हुई नजर आई हैं, यहां पर चेकअप्स हो रहे हैं यहां पर कि किस तरह की क्वालिटी है, क्या कुछ पड़ा हुआ है, उसी को चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ कुछ मसालों की कंपनीज के यहां पर ओनर्स हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो सुन रहे हैं, ऑन ग्राउंड यहां पर फिलहाल क्या होता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हैं धनंजय राजगोर जो कि ओनर हैं राजगोर स्पाइसेस के, साथ ही जुड़ रहे हैं सत्यनारायण जी गुप्ता जो प्रोप्राइटर हैं हमारे साथ, गोकुल एंटरप्राइजेस के शुभम जवर भी हैं, सॉरी प्रीति एंटरप्राइजेस के हैं। आप सभी का यहाँ पर कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छी खासी उठापटक हमने यहाँ पर मसालों के प्राइसेस में आते हुए देखी हैं। पिछले 2-1 महीने की बात यहाँ पर की जाए तो एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतरीन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चिंताएं अब यहाँ पर मसालों में आ रही है उसी पर आपका यहाँ पर एक सेंस भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे धनंजय, क्या कुछ आप जीरे में सुन रहे हैं इन सेंस ऑफ फंडामेंटल्स, और ऑफ कोर्स जो ये कंसर्न है क्वालिटी को लेकर उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो वेबिनार किया था गुरुकुल कॉमोडिटी गुरुकुल, तो उससे हमारे पूरे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को कुछ नया जानने मिला है और इसके कारण मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वायदा बाजार में वॉल्यूम बढ़ेगा। थैंक यू धनंजय जी। अच्छा, जीरे की बात कर लेते पहले, तो जीरा अभी भी मार्केट में 50% जीरा आ चुका है जी। और अभी भी 50% जीरा आना बाकी है। हमारे गणित के हिसाब से जीरा 1,10,00,000 बोरी के आसपास जीरा आना चाहिए था, 50,00,000 बोरी जीरा आ चुका है। किसानों के पास माल है, इससे 20-30% किसान इस साल माल बेचेंगे नहीं क्योंकि उनको गए साल जैसा दाम नहीं मिला है। तो देखने जाए तो सिर्फ 25-30 लाख बोरी में हमें 7 महीना निकालना है, तो आने वाले 6-7 महीनों में जीरा घटने का चांस सिर्फ 10 से 15 रुपया लग रहा है, उससे ज्यादा जीरा घट नहीं सकता है। ये मार्केट की रिपोर्ट है। और मानसून भी समय पर आ चुका है और मैंने इससे पहले भी कहा था कि मानसून देखकर किसान अपना रूप बदलेंगे, तो किसानों की अभी थोड़ी चिटपुर बिकवाली है, लेकिन क्या है कि सामने अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई में ऐसे भी डोमेस्टिक ग्राहक थोड़ी कमजोर रहती है, तो वो हिसाब से इतना कुछ मार्केट अप नहीं हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक अपना एक्सपोर्ट की ग्राहकी बहुत अच्छी है सर। तो 50% जो आवक है बाजार में वो आ चुकी है, 1,10,00,000 बोरी की आवक इस बार एक्सपेक्टेड है, एज इन फुल क्रॉप एक्सपेक्टेड है, और एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो यहाँ पर अच्छी खासी है। ऑफ कोर्स पिछले साल के हिसाब से भावों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और जैसे आपने कहा धनंजय जी, उस लिहाज से शायद किसान भी अपना माल बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर बाजार में लेकर नहीं आ रहे। लेकिन धनंजय जी, जो चिंता है यहाँ पर क्वालिटी को लेकर, जिस तरह से हमने एफएसआई की इतनी सारी रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं, काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर बाजारों में हो रही है, काफ़ी सारे ट्रक पकड़े गए हैं जो फेक जीरा बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी यहां पर रेड पड़ती हुई नजर आई है, तो ओवरऑल जीरा मार्केट इस इन सब न्यूज़ रिपोर्ट्स को कैसे देख रहा है? ये जो जानकारी है वो सब प्रशासन उन पर काबू करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। ये सब वहां एक्चुअली जहां से जीरा पैदा होता है वहां पर ये सब हो रहा है देखने जाए तो, क्योंकि हम भी मुंबई मार्केट में बैठे हैं तो हमको भी बहुत समझो आज की रेट से समझो जीरा 300-350 के नीचे जीरा नहीं तो भी यहाँ पर 250-260-270 में जीरा, तो कस्टमर को हम लोग को समझना पड़ता है प्रैक्टिकल कि इस रेट में अगर जीरा मिलता है तो मिलावट जीरा होगा या इसमें कोई मॉइस्चर या कुछ डाला हुआ रहेगा तो ही वो सस्ता बिक सकता है। तो उसके लिए प्रशासन को हमारा निवेदन है कि थोड़ा और स्ट्रिक्ट होए और उस पर ध्यान दे। सबसे पहले जो ये फेक और लो क्वालिटी की मसालों की चिंता है जो अब बहुत बड़ी बनती हुई नजर आ रही है, आप क्या देखते हैं? मैम, अपने देश में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि जो थोड़ा सा भी किसी चीज का रेट अप होता है तो लोग मिसयूज करने लग जाते हैं। धनिये में भी मोस्टली ये लोग इसका लोअर क्वालिटी का रफी डंटा वगैरह यूज करके मिक्स करके पीसते हैं,
और वैसे भी धनिया प्रोडक्शन में फार्मर्स ने भी पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत बढ़ा दिया प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए, जी तो वो प्रॉब्लम तो आएगी। बिना पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक माल तो अवेलेबल होना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा इसका रेट ज्यादा होने की वजह से ब्रांडेड लोगों को छोड़कर बाकी लोग जनरली इसका लो क्वालिटी का यूज ज्यादा कर रहे हैं। और क्या कुछ आप देख रहे हैं सत्यनारायण जी, अगर मतलब इतनी बड़ी अगर ये चिंता बनती चली जा रही है, और ये पहली बार नहीं है ऐसा हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा जरूर हुआ है कि FSSAI ने इतने बड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पर काम करना शुरू किया है। जी मैम, इधर में डे बाई डे फॉरेन का भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है इसमें, और मसाले पास लोग अवेयर हो रहे जा रहे हैं धीरे धीरे, क्वालिटी के ऊपर रिसर्च आएगा, और बिना कोई भी स्पाइसेस बिना पेस्टिसाइड्स के इसके प्रोडक्शन करना बहुत टिपिकल हो गया इस टाइम। क्लाइमेट का भी प्रॉब्लम रहता है जिस एरिया में, वहां पर सर्दी गर्मी ज्यादा होने की वजह से पेस्टिसाइड का यूज करना ही पड़ता है, तो फार्मर्स के इजीली वे में आ गया है कि वो मानते ही नहीं है करने प्रोडक्शन ज्यादा रहने के लिए, और उसका इफेक्ट इसी पे आ रहा है। एब्सोल्युटली सत्यनारायण जी, अभी तो हम ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि कितनी कितना ज़्यादा प्रेविलेंट हो गया है यहाँ पर एक तरीके से, कि जिस तरह से हमको यहाँ पर माल मिलने लगा है। आपसे भी शुभम यही पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तकलीफें यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और ये सिर्फ जीरे और धनिए तक सीमित नहीं है, हल्दी के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ सुनने को मिला है, तो एज एन इंडस्ट्री आप लोग की अब कॉन्वर्सेशन क्या है? और जैसे धनंजय जी ने कहा कि काफ़ी हद तक जो ये मिलावट है सोर्स पर ही होते चली आती है। स्पाइस होम है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को, यहाँ पे एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्पाइसेस में, और जैसे भाव बढ़ते हैं कोई भी कमोडिटी के वैसे एडल्ट्रेशन इस पे बढ़ते जाता है। हम इसको लास्ट ईयर से देख रहे हैं, यूरोप इस चीज के लिए काफी स्ट्रिंजेंट था, उन्होंने ईटीओ पहले बैन किया था, उसके बाद क्लोरोफेरेसिस एक केमिकल आता है, पेस्टिसाइड आता है जो कि हल्दी में यूज होता है बेसिकली, वो फॉर दैट इज फॉर बेसिकली दैट इज यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट, तो उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाया बाद में। अभी सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर वो लोग थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो उस वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट भी काफी रुक गया है, जैसे अगर कोई कंट्री बैन कर देती है तो वहां पे इंपोर्टर्स भी मंगवाते नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए FSSAI भी काफी अच्छी मेहनत कर रहा है, वो काफी ये चीज कोशिश कर रहा है कि ये सब मिक्सर वगैरह एडल्ट्रेशन इस पे कम हो। तो एज ऑफ नाउ जैसे आप लोग सब यहाँ पर ट्रेडर्स हैं शुभम, क्या आपके ऊपर भी इसका असर पड़ता है, आप लोग कैसे इससे डील कर रहे हैं? जी मैम, अभी इसमें ऐसा है आज के डेट में भी अगर आप इंडस्ट्री में बाजार में देखो, अगर हल्दी की हद तक देखो, अगर हल्दी हम नीचे से नीचे अगर कोई क्वालिटी लेने जाते हैं अच्छी क्वालिटी, तो 130 से 140 के रेंज में मिलती है, और बाजार में हमको 105 106 का भी एक्सपोर्ट होते हुए देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, FSSAI देख ही रहा है, स्पाइस बोर्ड को भी इस पे थोड़ा इंटरवीन करके इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए।